एवरीवन, एटीएम मिशन पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे थ्री इंग्रेडिएंट्स रेसिपी, यानी कि सिर्फ तीन ही चीज़ों से बनी एक चटपटी और कुरकुरी स्नैक की रेसिपी बनाएंगे हम। मैंने आपके साथ पहले भी एक रेसिपी शेयर की है जिसमें मैंने सिर्फ दो मेन इंग्रेडिएंट्स से 5 मिनट में एक कुरकुरा सा नाश्ता बनाया था जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। आप उसे ज़रूर घर में बनाइएगा, साथ ही में ये रेसिपी भी आप ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है और खाने में ये बहुत ही करारा क्रिस्पी बनता है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन के निशान पर भी क्लिक करें। तो चलिए इस चटपटे और कुरकुरे स्नैक को हम तीन चीज़ों से 10 मिनट में बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पर 4 से 5 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को आप पहले से ही उबाल कर रख लीजिए और फिर उसे पानी में बिल्कुल भी मत रहने दीजिएगा, नहीं तो आलू पानी को अब्सॉर्ब करके थोड़ा सा मेशी मेशी हो जाएगा। तो आलू को अच्छे से उबाल करके आप रख लीजिए। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। पनीर के मैंने इस तरह से क्यूब्स कट कर लिए हैं। और ये मैंने पोहा लिया है, यानी कि जो फ्लैटेड राइस होता है वो वाला लिया है, तो इसका हम इसमें यूज़ करेंगे। और इन्हीं तीन बेसिक चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी इस चटपटे स्नैक को बनाने के लिए। बाकी नमक और मिर्च हम अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। मीडियम आंच पर हमें तेल को गर्म करना है और अब हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है, इसमें हम इन पनीर के क्यूब्स को डाल देंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने पनीर को अच्छे से इसमें ब्लेंड कर लिया है। ये एकदम स्मूथ हो चुका है, इससे हमारा काफ़ी टाइम बचता है और मिक्स करने में ये बहुत ही ईजिली मिक्स हो जाएगा। अब इस एक और मिक्सर जार में हम ये पोहा डाल देंगे और पोहे को पीसकर हम इसका भी पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पोहा भी पीस लिया है और एकदम अच्छे से इसका पाउडर तैयार कर लिया है मैंने। अब हम इन उबले हुए आलू को भी ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे पूरी सावधानी के साथ, इस तरह से। देखिए, ये देखिए आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अब हमने जो पनीर ग्राइंड किया है वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले नमक स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे, जो कि आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, या फिर लाल मिर्च पाउडर की जगह पर आप काली मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल सकते हो। और अब हम इसमें ये पोहे का पाउडर डाल देंगे जो कि हमने पीसा है अभी अभी। और अब हम अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और इसे हम अपने हाथों से अच्छे से मैश करेंगे। ये देखिए, अब ये डो की तरह कंबाइंड होने लगा है, तो इस पर हम डाल देंगे 3/4 टीस्पून गर्म मसाला का पाउडर। इससे इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बट आप इसे अवॉइड कर सकते हो, या फिर आप गर्म मसाला के पाउडर की जगह पर पिज़्ज़ा सीजनिंग जो होती है वो आप इसमें डाल सकते हो। तो अच्छे, ये देखिए अब ये एकदम डो की तरह तैयार हो चुका है। तो हम अपने हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसकी हम बॉल बनाएंगे। आप चाहो तो कोई सी भी शेप में इसे बना सकते हो। तो मीडियम साइज़ की इसकी हम एक बॉल बना लेंगे। पहले इस तरह से थोड़ा दबा देंगे इसे और फिर इसे एक बॉल की शेप हम दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी बॉल बनाते जाएंगे और गर्म तेल में इन्हें डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो ये देखिए इतनी देर में हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तो इसमें हम हमारी जो बॉल्स है वो एक एक करके बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। तेल हमें मीडियम हॉट करना है, ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। और इसे हम पहले थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, उसके बाद इसे हम चम्मच से इसे थोड़ा सा चलाएंगे। ये देखिए, इन पर काफ़ी अच्छा सुनहरा कलर आ चुका है और ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे किचन टिश्यू के ऊपर और सभी जो बॉल्स हैं वो इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि अगर बॉल्स बनाते बनाते आपको लगे कि मिक्सचर ड्राई हो चुका है और बॉल्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में आप अपने तेल वाले हाथों पर लगाइए थोड़ा सा पानी। हल्का सा पानी लगाने के बाद इसे आप अच्छे से दबाते हुए, यानी कि बाइंड करते हुए बॉल्स बना लीजिए। काफ़ी ईजिली बॉल्स बन जाएगी। और तो ये लीजिए, हमारे सिर्फ तीन ही इंग्रेडिएंट से बने चटपटे और कुरकुरे आलू पनीर के क्रिस्पी लड्डू बनकर तैयार है खाने के लिए।
जिसे आप अपनी पसंद से टमाटो केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ या पुदीने की चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हो। आप इसे अपने चाय के टाइम पर खा सकते हो, बच्चों के टिफिन में भी इसे आप दे सकते हो और शाम के स्नैक के तौर पर भी इसे आप सर्व कर सकते हो। बहुत ही क्रिस्पी है और खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे ये सभी को। तो आप भी इसे बनाइए और इसे सभी के साथ इंजॉय करिए। इसे बनाने में भी सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगा है और 3 ही चीज़ों की हमें ज़रूरत हुई है इसके लिए। तो आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल करके घर में इसे बनाइए और सभी के साथ इंजॉय करिए। और अगर आपको ये क्रिस्पी और कुरकुरे स्नैक की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और ETM Missions को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम नेक्स्ट इसी तरह की चटपटी और कुरकुरी रेसिपी लेकर जल्द ही आपके साथ मिलते हैं। टिल देन इंजॉय दिस 3 इंग्रेडिएंट्स रेसिपी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ETM Missions। तो ये देखिए, ये एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं, बहुत ही ज़्यादा करारे हैं ये। ये देखिए परफेक्ट है ये गर्मा गर्म। इसे आप चाय के टाइम पर इंजॉय करिए या सभी के साथ इसे इंजॉय करिए, सभी को पसंद आएंगे ये।